हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र धाकड़। वेलकम टू फ्लाहा एकेडमी। इस वीडियो में आप सीखेंगे यूज ऑफ ईच और एवरी का। जी हाँ, आपको बता देता हूँ मैं पहला पॉइंट कि ईच और एवरी दोनों का अर्थ समान होता है, बराबर होता है। ईच का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है, और जबकि एवरी का प्रयोग भी आपका दो से अधिक के लिए यूज करते हैं। जैसे ईच ऑफ द टू गर्ल्स गेट अ प्राइज, ईच ऑफ द टू गर्ल्स गेट अ प्राइज, और ईच ऑफ द 10 स्टूडेंट्स गेट अ प्राइज। मतलब यहाँ पे दो या दो से ज्यादा की बात होगी तो हम वहां पे किसका यूज करेंगे, ईच का यूज करेंगे या तो एवरी का यूज करेंगे। और क्योंकि दोनों का मीनिंग क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे अब इसमें देख सकते हैं, एवरी स्टूडेंट गेट्स अ प्राइज, एवरी स्टूडेंट गेट्स अ प्राइज, एवरी कैंडिडेट वॉज गिवन अ सर्टिफिकेट। आपको मैं बता दूं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ईच और एवरी का सिंगुलर नाउन के लिए होता है, तो इसमें आपका सिंगुलर ही हो रहा है। तो देखो, आप देख रहे हैं ईच का यूज हुआ है टू और मोर देन टू के लिए हुआ है, लेकिन एवरी का यूज मोर देन टू के लिए होता है। मतलब डिफरेंस समझ में आया कि ईच का यूज हम वहां कर सकते हैं जहाँ पे दो की बात हो रही हो या दो से ज्यादा की बात हो रही हो, लेकिन एवरी का यूज हम हमेशा वहां करेंगे जहाँ आपका दो से ज्यादा की बात हो रही है, हमेशा मोर देन टू की बात हो रही है। दोनों में डिफरेंस क्या समझ में आता है, दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, ईच का यूज हम कहाँ करेंगे, टू और मोर देन टू, मतलब दो या दो से ज्यादा, और एवरी का यूज हम कहाँ करेंगे, दो से ज्यादा। आया समझ में? तो इसमें हमारा एक और जो अब हम दूसरे रूल पे चलते हैं, ईच का प्रयोग होता है हमेशा निश्चित संख्या हेतु करते हैं, निश्चित संख्या के लिए करते हैं। निश्चित मतलब जो आपका फिक्स्ड होती है, फाइनाइट होता है। एवरी का करते हैं अनिश्चित संख्या के लिए। समझ में आई बात? अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। ईच का प्रयोग जो होता है, ईच का जो प्रयोग होता है वो उस समय किया जाता है जब वस्तु या व्यक्ति को इंडिविजुअली जो पर्सनली या सेपरेट एक्शन व्यक्त करता है। कब करते हैं ईच का प्रयोग, हम उस समय किया जाता है जब वस्तु या व्यक्ति को इंडिविजुअली या फिर सेपरेट एक्शन व्यक्त करता है। लेकिन एवरी का यूज हम तब करेंगे जब किसकी बात हो रही हो आपकी, जब आपके ग्रुप की बात हो रही हो, जब आपके किसकी बात हो रही हो, ग्रुप की बात हो रही हो। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, ईच स्टूडेंट वॉज गिवन अ सर्टिफिकेट बाय द चीफ गेस्ट 1x1। ईच मतलब एक स्टूडेंट की बात हो रही, सेपरेटली बात हो रही, इंडिविजुअल बात हो रही है, सेपरेट इंडिविजुअल। लेकिन यहाँ पे हम किसका यूज कर रहे हैं, ईच का यूज कर रहे हैं। ईच स्टूडेंट वेंट टू मीट द चेयरमैन इन द लाइन, ईच स्टूडेंट। तो यहाँ पे इंडिविजुअल की सेपरेट की बात हो रही है। अब इसके बाद जैसे हम एवरी में देखें, एवरी स्टूडेंट हैज अ बुक, एवरी स्टूडेंट हैज अ बुक, ये ग्रुप हो जाएगा। पर एवरी स्टूडेंट वॉज हैप्पी, एवरी स्टूडेंट वॉज हैप्पी। यहाँ पे हम नहीं कह रहे कि 1x1 बनता जा रहा है, यहाँ पे हम सभी की कह रहे हैं कि सभी स्टूडेंट वॉज, एवरी स्टूडेंट वॉज हैप्पी, सभी स्टूडेंट सभी छात्र क्या थे, खुश थे, खुश। तो इसमें ग्रुप की बात हो रही है, इसलिए हमें यहाँ पे किसका यूज किया, हमने एवरी का यूज किया। अगले रूल पे आते हैं, ईच एक आपका प्रोनाउन भी आपको पता होना चाहिए। ईच आपका प्रोनाउन है और एक एडजेक्टिव भी है। लेकिन और ईच के बाद ऑफ का प्रयोग भी किया जाता है, आपको बता देता हूँ मैं, ईच के बाद ऑफ का प्रयोग भी किया जाता है। लेकिन एवरी केवल आपका एडजेक्टिव होता है, ये आपका प्रोनाउन नहीं है। डिफरेंस समझ में आया आपको, ईच जो आपका प्रोनाउन होता है और साथ में एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन जो आपका इसमें और ईच में आपका ऑफ का यूज भी किया जाता है, लेकिन एवरी आपका सिर्फ एडजेक्टिव होता है, प्रोनाउन आपका नहीं होता। तो आता है एवरी के बाद ऑफ का प्रयोग करना गलत है। अगर आप यूज करते हैं एवरी ऑफ इस तरह करते हैं तो आपका ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप समझ गए इसमें ईच और एवरी के रूल्स को, ये बिल्कुल सिंपल रूल्स थे, इनको आप बार बार प्रैक्टिस करें तो अपने आप आपको वो चीजें समझ में आएंगी। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेशन में लिखें, और मुझे जो आपके जो भी प्रॉब्लम है, परेशानी है जिससे इससे रिलेटेड, मैं आपको आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका वीडियो या बनाकर उसे जितनी ज़्यादा हो सके उतनी आपको हेल्प करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।